प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई से फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि इस दौरान 26 रफाल फाइटर प्लेन और 3 स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बी खरीदने की 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील हो सकती है। रक्षा मंत्रालय ने नेवी के द्वारा भेजे गए खरीद के प्रस्ताव को शुरुआती मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के ठीक पहले रक्षा खरीद परिषद सौदे को औपचारिक मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी। प्रस्ताव के अनुसार नेवी को 4 ट्रेनर और 22 सिंगल सीटेड रफाल मिल सकते हैं। सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए नेवी रफाल फाइटर प्लेन को तत्काल खरीदने के लिए दबाव बना रही है। इन्हें स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारत सरकार पिछले 4 साल से INS विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट खरीदने की योजना पर काम कर रही थी। माना जा रहा है कि रफाल M की पहली खेप आने में 3 साल लग सकते हैं। रफाल का M वर्जन 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1,912 kmph है। इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है। यह 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह एंटीशिप स्ट्राइक के लिए सबसे उम्दा माना जा रहा है। वहीं इसके साथ 3 स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियों को नौसेना प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में लेगी। इन्हें मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जाएगा। अनुमान है कि यह डील 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी।